इस शहर में नहीं है एक भी कार। आज के समय में कोई शहर ऐसा नहीं है जहां हाई हॉस्पिटल, रेस्तरां, बार जैसी बुनियादी सुविधाएं न हो। सब जगह सभी सुविधाएं हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कनाडा के न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर प्रोविंस में एक ऐसा शहर मौजूद है। यहां सड़कों पर आपको एक कार तक नहीं दिखाई देगी। इसलिए यहां रहने वाली फ्रांसवे कम्युनिटी दुनिया की सबसे रिमोट कम्युनिटीज में गिनी जाती है। कनाडा के ईस्टर्न बे के पास मौजूद इस टाउन तक सिर्फ बोट से ही पहुंचा जा सकता है। ये टाउन सबसे करीबी शहर सेंट जॉन से 160 नॉटिकल माइल दूर है। इस टाउन में सिर्फ 75 लोग रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक स्कूल मौजूद है। हालांकि किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक के इस स्कूल में भी सिर्फ 10 स्टूडेंट ही हैं। यहाँ रहने वाले लोग आमतौर पर बाइक से घूमना पसंद करते हैं। पूरे टाउन में किसी के भी पास कार नहीं है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ एक स्टोर भी मौजूद है जिसमें खाने पीने के सभी तरह के सामान मिलते हैं। इस टाउन में कोई बार नहीं है, इस वजह से स्टोर में ही रम और बियर मिल जाती हैं। यहाँ लोगों की कमाई का मुख्य जरिया फिशिंग है। परिवार के पुरुष सुबह से ही मछली पकड़ने निकल जाते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भी कहीं भी अपनी पसंद से मकान बना सकता है, वो भी बिना जमीन खरीदे। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत भी सिर्फ $6,000 के आसपास ही है। रेस्तरां की सुविधा ना होने के चलते लोग एक दूसरे के लिए डिनर पार्टी रख लेते हैं। टाउन के कम्युनिटी सेंटर पर कभी कभार डांस पार्टी भी रखी जाती है। माउंटेड हाइकिंग इस टाउन की सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है। ट्रैकिंग के लिए पहले से ही एक बेहतरीन रास्ता मौजूद है जिसके जरिए 680 फीट ऊंची प्रायर हिल्स की चोटी तक पहुंचा जा सकता है। लोकल लोगों के मुताबिक टाउन में अब युवाओं को रोकना मुश्किल हो गया है, वे तेजी से यहां से बाहर निकल रहे हैं। कनाडा के मेट्रो शहरों में ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद हैं। रोजगार के लिए भी कनाडा के मुख्य शहरों में ज्यादा मौके हैं, इसलिए युवा वहां का रुख कर रहे हैं।